सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर ईपीएफओ प्रिपरेशन, योर यू क्लियर। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का क्योंकि देखो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे कहते हैं ये पोर्शन कम आता है, ये पोर्शन ज़्यादा आता है। देखो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जब फाइनल कट ऑफ बनती है ना, अगर वहाँ 0.25 से भी निकल गए ना, तो फिर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे आप। याद रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोई आपके पास ये बोले कि ये पोर्शन कम आ रहा है, पोर्शन ज़्यादा आ रहा, मत सुनो। बस जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस, फोकस ऑन सिलेबस, ये ज़्यादा टेंशन छोड़ दो। अभी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएंगे, आ जाएगी नोटिफिकेशन, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। जो बच्चे सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना नोटिफिकेशन आएगी फिर तैयारी शुरू करेंगे, बेड़ा पार नहीं होता ऐसे, समझ आ गई बात। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, 2022 में क्लीन स्वीप था, 210 सिलेक्शन के साथ 210 सिलेक्शन के साथ क्लीन स्वीप था, ठीक है। और ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लेके बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन ली थी एक्चुअली। सो मैं आपको भी बात बोलूँगा, प्लीज़ 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 फोकस करो अपने गोल पे, एज कम्पेयर टू कि आप फोकस करो कि नोटिफिकेशन कब आएगी। सिर्फ गोल क्या होना चाहिए आपका, अभी मुझे जॉब की तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन आए इतना सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर टेस्ट सीरीज लगा, ये आपका काम खत्म, सिलेक्शन फाइनल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आपने तैयारी शुरू नहीं की है, सो ये डिटेल है जो हमने 2024 का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है ईपीएफओ का, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, फीचर्स के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, डाउट सेशंस हैं, फ्री मेंटरशिप है, कोई डाउट हो तो 7833773651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर। 24/7 ये नंबर रहता है आपका ओपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। चलिए तो ये थे डिटेल जो मैंने बैच की बताई, ठीक है। तो चलिए आज हम सेशंस की तरफ चलते हैं। आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन इज, अ कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशो 7:5 वेल 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड कैन इज फिल्ड विद बी द रेशो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9 हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए वॉज कंटेन बाय द कैन इनिशियली। देखो बात याद रखना, ये ग्लास है, देखो एक ग्लास है, इस ग्लास में कोई 2 लिक्विड्स हैं, है ना। मैंने 1 लिक्विड निकाल लिया या मैंने क्या किया, पानी है थोड़ा सा, दिख रहा है आपको ये पानी है। सपोज करो ये मेरे पास लेमन वाटर होता, मैंने अगर थोड़ा सा लेमन वाटर पिया, जो मेरे को टेस्ट आया वो सेम टेस्ट वाला लेमन वाटर नहीं आऊँगा, ये समझो बस। देखो क्या दिया, कैन कंटेन टू मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, ए रेशो बी कितने में, ये इनिशियली की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, इनिशियली, ठीक है। 9 लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, यानी 9 लीटर आपने ड्रॉन ऑफ कर लिया, एंड कैन इज फिल्ड विद बी, और बी आपने डाल दिया। तो जब आपने 9 लीटर ड्रॉन ऑफ किया, जब भी 7:5 रहना चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन वन होगी। सेकंड में क्या बोल रहा है, जब आपने 9 लीटर डाल दिया तो वो कितना होगा, 7:9। देखो आपने क्या पुट किया है, आपने बी डाला है, आपने क्या किया, बी उसमें पुट ऑन किया, तो आप ये कहेंगे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए मस्ट बी सेम, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए मस्ट बी सेम, इनिशियल क्वांटिटी ए मस्ट बी सेम, एक ही इनिशियल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, वो ऑब्वियसली मेरे पास साथ साथ है, नहीं होती तो मैं इसको बना लेता, ये समझने वाली बात है। देखो यहाँ का 4 यूनिट है, 4 यूनिट आपने ऐड किया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कितना ऐड किया, 9 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना है, 9 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 9/4 लीटर, क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 9/4 लीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, नीचे 4 आकर घबराने की जरूरत नहीं। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 9/4, 4 × 12, 9 × 3 कितना हो गया, 27 लीटर हो गया, 9 × 3 = 27 लीटर हो गया। अब मेरे पास सिंपल सिंपल क्या दिया है कि 27 लीटर जब था, जब मैंने 9 लीटर निकाल लिया, तो आपको क्या करना, 9 लीटर वापस डाल दो, यानी 9 लीटर जब आप वापस डालेंगे इसमें,
27 प्लस 9 कितना हो गया, यानी यहाँ पे कितना था, 36 लीटर था। यानी यहाँ पे 36 लीटर जो है किस रेशो में, 7:5, यानी 12 की वैल्यू कितनी है, 36, 1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 7 से कितना हो गया 21 लीटर, और 5 से कितना हो गया 15 लीटर। तो शुरू में क्या पूछ रहे, ए ए कितना है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 21 लीटर। तो मिक्सचर का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा है, क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की, मत सोचे नोटिफिकेशन का, जब आएगी वो टाइमली आएगी, आपके सोचने से मेरे कहने से नहीं होने वाला, जो जिस टाइम होना है वो उसी टाइम होना है, आएगी नोटिफिकेशन भी, बट उसके पहले क्या करना, आपको ज्वाइन कीजिए, सिलेबस अपना कंप्लीट करें। चलिए, द रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शुभम इन हिस्ट्री इन थ्योरी टू टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन थ्योरी इज 7:10। द रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शुभम इन थ्योरी टू द टोटल मार्क्स विच ही कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब थ्योरी मार्क्स तो थ्योरी टू द टोटल मार्क्स, 7:10 आ गया। अच्छा, द टोटल मार्क्स विच कैन बी अटेन ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल वर्क 20% ऑफ टोटल मार्क्स, द टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल की बात करो, प्रैक्टिकल में कितने आ सकते हैं, इसका 20% यानी कितना, 10 प्लस 2 12 मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, इफ शुभम गॉट फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल देन फाइंड द रेशो ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन टू शुभम टू द टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। करिए क्वेश्चन को, लगाइए थोड़ा सा इस पे दिमाग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो वो कह रहा है ऑब्टेन शुभम टू टोटल मार्क्स, उसने शुभम गॉट फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल। देखो इतने मार्क्स हैं वो, ये टोटल मार्क्स हो गए, इतने मार्क्स लिए हैं उसने और प्रैक्टिकल में फुल आ गए, तो मार्क्स ऑब्टेंड कितने आ गए, सॉरी मार्क्स ऑब्टेंड कितने आ गए, 7 प्लस 2 कितने आ गए, 9 आ गए, मार्क्स ऑब्टेंड कितने आ गए, 9 आ गए, टोटल कितने 12, सो क्या 9/12 यानी 3/4 आंसर है। सिंपल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, कुछ नहीं था कि 7 उसके आए हैं, 2 प्रैक्टिकल में फुल आए हैं, तो टोटल मार्क्स 10 थे, 2 प्रैक्टिकल के 12 हो गए, 9/12 3/4, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो बताना ये था इस क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट कितनी बड़ी है और सोल्यूशन कितना सा, देख सकते हैं आप। चलिए, मोनू गिव 45% ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू रमन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जब आप सोल्यूशन देखेंगे ना, बहुत हार्ड सोल्यूशन दिया हुआ है, बड़ी सारी वैल्यू ये कर रखी, वो कर रखी, बट कुछ नहीं करना आपने, ट्राई करें। देखो सपोज करो मोनू के पास 100% पैसा है, मैं सिंपल जैसे हम वो करते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन करते हैं हम, कौन से वोटिंग वाले, वैसे लेके चलूंगा। इसने क्या किया, 45 अपने पास रखा था, 65% कितना, 45 दिया ना, तो 55 हो गया, फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ 45%, ठीक है, एक्सपेंस पे गया। अच्छा, 35% बाइंग अ वॉच, वॉच पे कितना गया, 35% ऑफ 45% मतलब इस 45% का 35%, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, 4/70, 25% ऑफ 45%, ये बच गया रिमेनिंग, आ गया ना वही कॉन्सेप्ट, किया होगा क्वेश्चन शायद आपने, पॉपुलेशन वाला या अपना पॉपुलेशन कह रहे वोटिंग वाला क्वेश्चन, उसमें से निकालते हैं ना एक्स्ट्रा,
वही है बस, इसमें क्या दिया रमन एस 1800 रिमेनिंग, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 45/100 ऑफ टोटल, इसकी वैल्यू कितनी है 1800। मुझे ये 1% की वैल्यू है मेरे पास, तो 25, 4, 45, 400, 4, 16, 1600 और दो ज़ीरो और लगा दो, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, 25, 4, 45, 100, 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, लेट मी चेक, 1800 ही है ना, अच्छा 25, 4, 100, ये 40 टाइम्स आएगा, 45 था ना, बिल्कुल जी अब सही आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 40 × 4 × 100 कितना आ गया 160 और 3 ज़ीरो 16,000। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही आपने अंजाम तक लेके जाना मतलब करना, और एग्ज़ाम में भी ना जितना हो सके ना परसेंटेज से खेलने कोशिश किया करो। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इक्वेशन में जाने की कोशिश करते हैं कि बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ मैटर, वो हर किसी का हो जाता है, बट क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर है एक बार, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना इज सो इम्पॉर्टेंट। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अ मैन लेंट रुपीज 4500 एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अ मैन लेंट 4500 एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय द मैन इन द सेकेंड ईयर ओनली एंड द इंटरेस्ट अर्न बाय द मैन इन द थर्ड ईयर ओनली, मतलब सिर्फ ओनली का मतलब सिर्फ दूसरा साल और सिर्फ तीसरा साल, इनका मुझे अंतर बताना यानी डिफरेंस बताना, सिंपल आप वो ट्री वाले मेथड से कर लो बहुत सही रहोगे। ठीक है, देखो 4500 30% मतलब 30/100 यानी कितना 3/10 यानी इसका 3/10 450 × 3 कितना हो गया 1350। मैं कलर बदल बदल के करूँगा ताकि आप लोगों को विजुलाइजेशन ज़्यादा समझ आए और जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उन्हें और भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, सेकंड ईयर की बात करते हैं ब्लू कलर से, इसका 3/10 कितना हो गया 1350 और इसका 3/10 कितना हुआ 405। ठीक है, नहीं सॉरी 405 ही हुआ, 405 ही होना चाहिए, 0 से 0 हो गया 135, 390 और 15, 405 ही आएगा, ठीक लिखा था 405। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा मुझे वो, इसको आपने ऐड करना कर लो, नहीं करना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल आउट करवा देंगे। चलो नेक्स्ट थर्ड ईयर की बात करते हैं, हम लेते हैं ये ग्रीन कलर, देखिएगा देखें जरा, हाँ जी दिख जाएगा, देखो थर्ड ईयर ग्रीन से इसका 3/10 कितना आ गया मेरे पास 1350, इसका 3/10 कितना है मेरे पास 405, अभी निकाला था, इसका 3/10 कितना है 405 और इसका भी तो मैं 3/10 निकाल लूँगा। क्लियर, तो 405 × 3/10 5 × 10 91 × 3 हाउ मच 270 273 136.5 तो 0.5 तो आ रहा है। अब देखो जो दो साल वाली बात हो रही है उसमें क्या है, जो दो साल वाली बात हो रही है उसमें क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 81 आएगा ना कि 91, तो कितना आ गया 243/2 = 121.5 हो गया 121.5। अच्छा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे वो ये कह रहा है कि डिफरेंस बताओ किस किस का,
देखो 1350 से 1350 गया, 405 से 405 गया, तो कितना बचा मेरे पास 405 प्लस 121.5, 526.5, 526.5 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो 526.5 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अच्छा क्वेश्चन, गीता ब्रॉड सम स्टेशनरी आइटम, ये प्रॉफिट लॉस का क्यों लग रहा है मुझे 54 रुपये 1, यस एंड इक्वल नंबर ऑफ आइटम एट द रेट ऑफ 441 रुपये 1, सी मिक्स्ड बोथ द टाइप्स ऑफ आइटम एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 94 रुपीज़ 2, इन दिस ट्रांजेक्शन सी बोर अ लॉस ऑफ 4 रुपीज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेस्ड बाय हर। बताइए टोटल नंबर ऑफ आइटम बोले कितने परचेज किए होंगे उसने। देखो गीता ब्रॉड सम स्टेशनरी आइटम एट द रेट ऑफ 541 रुपीज, यानी मैं कह सकता हूँ 5 आर्टिकल 1 रुपए के, है ना, ऐसे कुछ है। अच्छा एंड इक्वल नंबर ऑफ आइटम फॉर 44 रुपीज़ 1, 4 आर्टिकल 4 1 रुपी, 4 आर्टिकल 1 रुपी, शी मिक्स बोथ द टाइप्स ऑफ आइटम एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 94। यानी देखो उसने दोनों को मिक्स किया, मतलब उसने क्या बोला शुरू में, इक्वल नंबर मतलब बराबर, इसको कर दो तो किससे मल्टीप्लाई, 4 से इसको कर दो तो 5 से, तो कितना हो गया 20 आर्टिकल 4 रुपए में, और 20 आर्टिकल कितने रुपीस में 5 रुपए। इसका जब मैंने खरीद, इसका मतलब ये जब मैंने खरीदे होंगे तो स्टूडेंट्स 40 आर्टिकल कितने रुपए में 9 रुपीस में होंगे, कि 40 आर्टिकल मेरे पास 9 रुपए में मैंने खरीदे होंगे। बट अब वो क्या कह रहा है, एंड सोल्ड देम 942 रुपीज़, यानी 9 आर्टिकल 42 रुपीज़, 9 आर्टिकल 2 रुपए के। देखो यहाँ पे क्या है, 40 आर्टिकल यहाँ कितने, 9 आर्टिकल, तो बराबर करो, इसको करो 9 से मल्टीप्लाई और इसको करो 40 से मल्टीप्लाई, यानी जब आप कॉस्ट प्राइस की बात करोगे तो कितना 360 आर्टिकल कितने के 81 रुपीज़ के। अच्छा 360 आर्टिकल कितने के 80 रुपीज़ के, यानी आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का हो रहा है 4 का, कितने गुना 4 गुना, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम परचेज, आइटम परचेज कितना हो गया 36 गुना 4 72 का 2 1440, ऑप्शन नंबर ई वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे फ्लॉलेस वे में लेके चलोगे ना एकदम, जब मज़ा भी आएगा और कुछ पता भी चलेगा क्वेश्चन किया हुआ। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से नोट कीजिए इसको फटाफट जरा, तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, मैं उधर तरफ चला जाता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको नोट कर पाएँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रणवीर गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज होम फ्रॉम हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक्स 4 आवर 30 मिनट्स इन ऑल, मतलब टोटल 4.5 घंटे ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस इज 20% मोर देन डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस, अभी ये नहीं पता ऑफिस किस तरफ है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस टू हिज फ्रेंड्स हाउस अज्यूमिंग, अब बता अज्यूमिंग दैट द ऑफिस लाइज बिटवीन रणवीर हाउस एंड फ्रेंड्स हाउस, मतलब ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है और यहाँ पे उसके दोस्त का ऑफिस है, आप क्लियर होगी सारी कंडीशन, क्योंकि जब तक ये लास्ट वाली लाइन थी ना जूमिंग वाली, जब तक मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है चलिए, 16 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कितना दिया है 20, पहले डिस्टेंस की बात कर लें जरा। देखो सबसे पहले क्या है इनका वो ले लो एलसीएम, 16 और 20 का एलसीएम एथी आ गया, यानी ये कितना हो गया 80 किलोमीटर हो गया, यानी T1 यहाँ से कितना आ गया, डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, इजंट इट, यस। तो 80/16 इज हाउ मच 5 आवर, 42 कितना आ गया, 80/20 इज 4 आवर, 5 घंटे 4 घंटे आ गए, यानी टोटल कितना आ गया 9 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना 4.5 घंटे यानी कितना 9/2 आवर,
यानी कितने होगा 1/2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 1/2 टाइम्स, ये कितना हो गया, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ 40 किलोमीटर आ गया। जो ये क्या है 40 किलोमीटर, ये जो पर्सन है ये उसके हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि अब सुनो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्या करोगे, ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहा है करने में कुछ भी नहीं है। इफ द डिस्टेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस इज 20% मोर, मतलब इसका 20% 1/5, यानी कितना हो, यहाँ से कितना आ गया 48 किलोमीटर, ये क्या हो फ्रेंड्स हाउस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 40 + 48 इज हाउ मच 88 किलोमीटर, क्योंकि उसने साफ साफ बोला अज्यूमिंग द ऑफिस लाइज बिटवीन रणबीर हाउस एंड हिज फ्रेंड्स हाउस, ऑप्शन नंबर ई वॉज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कर लें। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो खुश हो जाना, क्योंकि आपने नंबर वन प्लेटफॉर्म पे कर रखे हैं। कोई डाउट हो ना तो नंबर आपको बता रखा है मैंने 7833777365, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं कोई भी डाउट हो ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ही स्टार्टेड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 12,500 एंड आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइंस हिम एंड इन्वेस्टेड ₹15,000। दे डिसाइडेड 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली एंड रिमेन प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। इफ ए गेट्स ₹2,000 फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको भी देखने में लग रहा होगा 2-2% है, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, ये पहले तो सबसे पहले इनका रेशो निकाल लो इन्वेस्टमेंट का। एक ही बात कर रहा हूँ मैं, 12,500 लगाए इसने, अगर बी की बात करें बी ने कितने लगाए हैं, 15,000। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट आ गई, टाइम कितना 12 मंथ और ये कितना 8 मंथ है, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ बोला क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 गए, 25 5 25 6 4 3 12 4 2 8 3 2 6, तो कितना आ गया 5:4 आ गया। इन्वेस्टमेंट बोलो, प्रॉफिट बोलो, समझ आएगी बात। अब सुनो जरा क्वेश्चन में क्या आ गया, मैं बोलता हूँ टोटल प्रॉफिट मेरा 100% था, ठीक है, इसमें से 40 गया अलग और 60 गया अलग। वो ये कह रहा है 40 कैसे जा रहा है, ए के पास गया इसमें से 20 और इसमें से बी के पास भी 20 गया, ए के पास गया 20, बी के पास गया 20, और जो 60 है ना वो कैसे जा रहा है, वो 5:4 में जा रहा है। अब यहाँ पे देखो जरा क्या चक्कर है, यानी यहाँ से अगर मैं 60% को लेके चलूँ, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, 3 3 9 20, तो एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू 20/3 आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 20 में 100/3 और ये कितने 80/3, यानी 60% में से जो ए है उसको मिल रहा है 100/3 और बी को कितना मिल रहा है 80/3। बट वो कह रहा है ए को टोटल प्रॉफिट 2000 मिल रहा है, ए का टोटल प्रॉफिट कितना है, ये भी तो होगा, यानी अगर मैं ए के टोटल प्रॉफिट की बात करूं, इसको मैं होपफुली मिटा देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कोशिश किया कि शॉर्टकट से आपको परसेंटेज से कराऊं, ताकि थोड़ा सा दिमाग ओपन हो कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में करने हैं। तो ए की अगर मैं बात करूं कितना आ गया मेरे पास, 100/3% + 20%, ये कितना हो गया 160/3%, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 2000, ठीक है, तो 160/3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2000%, 0 0 4 2 16 50 2 25, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 75/2, यानी कितना 37.5% तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 37.5 × 100, डेट इज 37
50 अब आपसे जो वो पूछ रहा है आप सब बता सकते हैं, क्लियर। दैट इज़ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, क्लियर। और एक्सप्लेनेशन तो मैं इससे भी अच्छी बदलूँगा, क्लियर। चलिए प्लीज़ नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन बड़ा लास्ट वाला सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, वो आज की क्लास का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वो। चलें, चलिए। फाइव मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज, सिक्स वुमेन। सो फाइव मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज, कि पांच व्यक्ति किसी काम को छह दिन में करते हैं। एंड सिक्स वुमेन कैन डू 40% ऑफ सेम वर्क इन फोर डेज, एंड थ्री चिल्ड्रन कैन डू 75% ऑफ सेम वर्क इन सिक्स डेज। टू मैन, थ्री वुमेन एंड वन चाइल्ड स्टार्ट वर्किंग ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मैन, फिर वुमेन, फिर चाइल्ड, देन हु विल बी लास्ट टू कंप्लीट द वर्क। तो सबसे अंत में कार्य कौन खत्म करेगा ये बताना आपको। देखो फाइव मैन वर्क देख लो पहले, फाइव मैन छः दिन में, ये पूरा काम है मेरे पास कि पांच मैन छः दिन में काम को खत्म करते हैं। छः वुमेन कैन डू 40% ऑफ सेम वर्क इन फोर डेज, यानी अगर मैं फाइव मैन इंटू छः काम, इसका 40% देखूं कितने दिन में हो रहा है, तो ये कब हो रहा है, छः वुमेन कर रही हैं इसको कितने दिन में, चार डेज में, तो ये कितना हो गया, 2/5, तो छः से गया छः, पाँच से गया पाँच, और दो से गया दो, तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 2/1 आ गई मेरे पास। सो मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2/1 आ गई मेरे पास। अच्छा अब दूसरी बात, सेम काम ही हो रहा है, यानी दूसरी सिचुएशन में फाइव मैन इंटू सिक्स, इसका कितना परसेंट, इसका 75%, यानी 75% का मतलब 3/4 काम कौन कर रहा है, थ्री चिल्ड्रन, वो भी कितने दिन में, छः दिन में। सो तीन से कटा तीन, छः से कटा छः, सो मैन बाय चिल्ड्रन कितना आ गया, 4/5 आ गया, मैन बाय चिल्ड्रन इज 4/5, इज दैट इट। अब सुनो कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी की रेशियो निकाल लो, सो मैन वुमेन और मैन चाइल्ड, पहले वैन मैन और वुमेन कितना, 2:1, मैन अगर चार है तो चाइल्ड पाँच है, तो ये आ गया दो और ये आ गया एक, तो ये कितना आ गया, ओह माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, पाँच चार, तो यहाँ पे चार आना चाहिए, चार, तो ये कितना आ गया, 10, 8 और 4, यानी कैसे कह सकता हूँ इसमें, 5, 4 और 2, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी ऑफ मैन इज़ हाउ मच, 4, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज़ हाउ मच, 2, एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड इज़ हाउ मच, 4, 2, 5, ये आई, 4, 2, 5 आ गई, ये आ गई, बात ख़त्म। अब क्या करना है, टोटल काम पहले निकालो, टोटल काम कितना है? देखो फाइव मैन इंटू सिक्स, यानी फाइव मैन की एफिशिएंसी कितनी निकली, 4, 5 के 20, 20 × 6 = 120 आ गए, 120 यूनिट्स आ गए टोटल काम, खत्म होगी बात। अब कुछ भी नहीं करना आपको, अब इस काम को कौन कौन कर रहा है, देखो बस इस कैलकुलेशन को जरा चेक कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं पूरे क्वेश्चन में, क्लियर। देखो क्या दिया, डे वन पे कर रहे हैं टू मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, सो 2 × 4 यानी 8 काम हो रहे डे वन पे, डे टू पे 3 वुमेन, एक वुमेन 2, 6, डे 3 पे 1 चाइल्ड, यानी सॉरी 1 × 5 यानी 5। तो बेसिकली अगर मैं देखो 3 डे का काम कितना है मेरे पास, 8 × 14 = 5, 19 यूनिट्स, 3 डे का काम 19 यूनिट। अच्छा अब मुझे क्या बोल रहा है, 120 तक जाओ, 120 काम है ना टोटल मेरा, ये देखो ये रहा, इनटू क्या करोगे, 19 × 6 करो, 114 आ गया, तो यानी ये 18 दिन के बाद 114 काम होगा। अब अगला काम किसने करना है, मतलब 6 बार ये साइकिल रिपीट हो चुका है, नेक्स्ट 6 काम बचा है, बट मैन तो क्या कर रहा है, 8, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए मैन। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया, यस टू मैंने किया था, वो लास्ट टू कंप्लीट, मैन काम को सबसे पहले में खत्म करें, क्लियर।
तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत अच्छा सेशन था ये, क्लियर। तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया, और नहीं किया तो कर दीजिए, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज यूपीएससी पेपर 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन डेप्थ बेस्ड अपॉन योर क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेप्थ, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स मेरे को मिल रहा है, जिसके अंदर फीचर्स क्या, रिकॉर्डेड क्लासेस है, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस है, फ्री मेंटरशिप है, 7837373651। कोई भी शंका डाउट हो ना इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और सारे के सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, वहाँ भी आपके डाउट्स के रिप्लाई हम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।